आगामी लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देख बसपा ने अपने जिले के संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने आज अपने पुराने कार्यकर्ता कुंवर जामी को जिले की भाईचारा कमेटी का जिला संयोजक बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिला संयोजक बने कुंवर जामी ने कहा है कि वह जिले में भाईचारा कायम रखते हुए न केवल पार्टी को मजबूत करेंगे बल्कि बहन जी ने जो भरोसा किया है उस भरोसे को और मजबूत करेंगे। बताते चले कि आगामी चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाजवादी पार्टी ने संगठन को रिफ्रेश करना शुरू कर दिया है। पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल तक समीक्षा शुरू हो गई है। पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भाईचारा कमेटी का जिला संयोजक बनाया है। आज फैजाबाद में हुए मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष के रावत ने बताया कि कुंवर जामी और मायावती के ओएसडी रह चुके सुरेंद्र चंद्र गौतम को नई जिम्मेदारियां देकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने और सर समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम सौंपा जाएगा। तकरीबन डेढ़ दशक तक पार्टी के नगर अध्यक्ष रह चुके कुंवर जामी एक झंडा एक नेता और एक पार्टी में यकीन रखते हैं। शायद यही वजह है कि वह पार्टी के पिछले 23 वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता माने जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करने वाले कुंवर जामी विश्वविद्यालय के एक छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब इस नई जिम्मेदारी को वह बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए इसे चुनौती के रूप में ले रहे हैं। ये कैसे निर्वहन करेंगे? ये बहन जी ने हमको सामाजिक भाईचारा का संयोजक बनाया है। बाराबंकी जिले को मजबूत करके और जिला कमेटी और बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम मैं पूरे तौर पे करूँगा। ये जिम्मेदारी को